से स्वागत है आपको ऑटो और जिंदगी पे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस आज मेरे पास ये कार जो कि है महिंद्रा बोलेरो नियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर स्पेस। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह की गाड़ी जो है आपको चलाने में मिल जाती है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप एक न्यू कार, यूज कार या फिर न्यू बाइक खरीदना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका लोकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट्स आप हमें डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपको बेस्ट डील दिलाने में। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफी बोल्ड और मस्कुलर लुकिंग एसयूवी बोलेरो न्यू आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो राइट इन द सेंटर यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ी सी आपको जो है हनीकॉम ग्रिल देखने के लिए मिलती है विच इज काइंड ऑफ डिवाइडेड बाय दिस एलिमेंट ऑफ द बंपर। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हेडलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हम नॉर्मल हेलोजन बल्ब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपका एलईडी डीआरएल यहाँ पे दिया गया है और ये जो है ये आपका फॉग लैंप है जो कि अगेन एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलता है यहाँ पे आपको। तो कुछ इस तरह का जो है आपको लुक देखने के लिए मिलता है। इसकी प्रेजेंस जो है रस्ते पे काफी बेहतरीन आपको जो है देखने के लिए मिलती है। काफी बड़ी गाड़ी जो है ये देखने में आपको जो है मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है एक क्लैडिंग मिलती है विच कवर्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। साइड में यहाँ पे आपको फुटस्टेप भी मिलते हैं विच मेक्स इट अलॉट इजियर फॉर यू टू क्लाइम इनसाइड द कार। आपको अंदर जाने में जो है आसानी हो जाएगी क्योंकि ये जो कार है काफी टॉल है। साइड में यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिलता है। मिरर की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली फोल्डेबल नहीं है लेकिन आप एडजस्ट जो है इसको इलेक्ट्रिकली जो है कर पाएंगे। अब बात करते हैं चाबी की तो ये गाड़ी महिंद्र जो है आपको कुछ इस तरह की जो है चाबी यहाँ पे ऑफर करता है। यहाँ पे तीन बटन्स जो है मिलते हैं आपको। यहाँ पे लॉक के लिए बटन जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अनलॉक के लिए दिया गया है। ये बटन बेसिकली आपकी गाड़ी जो है पार्किंग स्पेस में फाइंड आउट करने के लिए ये बटन है। तो जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो आपको नोटिफाई करता है। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाएगा। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको मिलता है। ये आपका स्पेयर व्हील यहाँ पे जो है बाहर जो है आपको मिलता है। यहाँ पे आपको बोलेरो का बैज, महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलेगा। स्पेयर व्हील का जो साइज है दैट इज सेम यहाँ पे 215/75R15 15 इंच का जो है ये स्टील रिम है। ये अलॉय व्हील नहीं है, स्टील रिम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे राइट में आपको जो है N10 का बैज दिया गया है। बाय द वे ये चार वेरिएंट्स है इस गाड़ी के। यहाँ पे आपको N4 मिलता है, N8 मिलता है, N10 मिलता है और N10 ऑप्शनल। ये जो है टॉप एंड वेरिएंट N10 ऑप्शनल जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको। रियर यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक रिफ्लेक्टर जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे बोलेरो नियो का बैज दिया गया है। टेल लाइट्स की बात करें तो नॉर्मल हेलोजन बल्ब आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से दरवाजे को और साइड ओपन होता है ये। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों सीट्स फोल्ड करने के बाद आपको 384 लीटर्स का जो है यहाँ पे बूट स्पेस जो है देखने के लिए मिल जाता है। बात करें स्पेस की तो मैं आपको जो है अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे फुटस्टेप दिया है जिससे कि आप आराम से चढ़ पाएंगे। यहाँ पे हैंडल दिया गया है तो यहाँ पे बेसिकली आप पकड़ के कुछ इस तरह से गाड़ी के अंदर जो है क्लाइंब कर पाएंगे। अब मैं जो है इसका ये जो है बंद कर लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दरवाजा बंद हो गया। लेगरूम की बात की जाए तो दोनों ही यहाँ पे जो है बेस्ट रहेगा आप दो बच्चों को बिठाए क्योंकि अगर आप अडल्ट को बिठाएंगे तो लेगरूम और नीरूम में डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। बच्चों के लिए ये बेटर प्लेस रहेगी मेरे हिसाब से। अंडर थाई सपोर्ट जो है यहाँ पे काफी लैकिंग है और हेडरूम जो है आपको डिसेंट मिल जाता है और जो सीट है इट इज अ बिट अपराइट आपको जो है सीट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो है एक विंडो मिलता है जो कि आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली एक जो है मैगजीन होल्डर दिया गया है या फिर आप यहाँ पे बेसिकली कुछ अपने पेपर्स या फिर टोल रिसीट रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी ट्रायंगल जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है जिससे कि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो और यही बेसिकली आपको दरवाजा ओपन करने के लिए है। यहाँ पे आपको लाइट प्लेसमेंट जो है वो भी जो है देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरह की। सो ये सारी चीजें हैं अबाउट द थर्ड रो ऑफ द बोलेरो नियो। अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की और फिर हम लोग बात करेंगे क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 215/75R15। ये आपका टायर प्रोफाइल है 15 इंच का। यहाँ पे जो है अलॉय व्हील आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। डिजाइन जो है अलॉय व्हील का काफी अच्छा यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस मैं सारी चीजें कवर कर ली है ऑन द एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब जो है गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको जो है क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे
कुछ इस तरह का जो इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक और बेज कलर में यहाँ पे जो है आपको डैशबोर्ड मिलता है। सीट्स जो है यहाँ पे आपको बेज कलर में जो है देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी एक एरी फील देता है। और विजिबिलिटी की कोई दिक्कत है ही नहीं गाड़ी में, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे जो है काफी क्लियर आपको जो है विजिबिलिटी मिल जाती है। मिरर्स आपको काफी बड़े मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको जो है खुद लगवाना पड़ेगा एक्सटर्नली। अब मैं गाड़ी जो है स्टार्ट करके आपको जो है दिखाता हूँ क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है डेफिनेटली नहीं मिलेगा यहाँ पे। जैसे आप ये गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फुल स्वाइप देता है आपको, बोलेरो नियो का यहाँ पे लोगो दिखा देगा, यहाँ पे महिंद्रा का जो है आपको कुछ इस तरह से ये गाड़ी बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको वेलकम करेगा। सो कुछ इस तरह का जो है एनिमेशन यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं उसके बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील जो है काफी अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ द होल्ड। यहाँ पे लेदर फिनिश ऑब्वियसली नहीं मिलता, लेकिन जो है पकड़ने में काफी अच्छा स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए बटन है, यहाँ पे आपको म्यूट के लिए बटन है, SRC या सर्च के लिए बटन है, यहाँ से आप कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेसिकली जो है कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि क्रूज कंट्रोल के लिए, क्रूज कंट्रोल को आप कैसे स्विच ऑन कर सकते हो, कैसे स्विच ऑफ कर सकते हो, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जो है चेकआउट कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, टैकोमीटर एनालॉग मिलता है, सेंटर में MID मिलता है, जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर डिजिटल में भी जो है दिखा देगा, जो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। यहाँ पे जो है जैसे आप प्रेस करेंगे तो ओडोमीटर रीडिंग आपको दिखाएगा, वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, ट्रिप ए, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और आपका डिजिटल स्पीडोमीटर, ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली आपको शो करता है। यहाँ पे आपको कुछ बटन्स जो है वो देखने के लिए जो है डेफिनेटली मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ESC का बटन, ESS का बटन मिलता है। ESS बेसिकली आपका माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही आप सिग्नल पे आएंगे तो आपका इंजन जो है वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप क्लच प्रेस करते हो तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह से ESS काम करता है। ये आपका रियर डिफॉगर के लिए है, ये आपका इको मोड है। इको मोड जो है मैं आपको जो है यहाँ पे बंद करके चालू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पे बेसिकली ये इंडिकेट आपको करता है, जैसे ही आप इको मोड को ऑन या ऑफ करेंगे तब आपको जो है ये बेसिकली Your vehicle is in eco mode. तो कुछ इस तरह से ये आपको नोटिफाई करता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, यहाँ पे यहाँ से आप जो है मिरर्स को एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है, देयर इज अगेन सम स्पेस टू कीप स्टफ। और ये जो हैंडल है ये काफी अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ द, ये फिनिश जो है काफी अच्छी लगती है यहाँ पे। अब बात करते हैं अबाउट द म्यूजिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपको जो है 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, टच रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो टच क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है आपको। साउंड क्वालिटी जो है आपको डिसेंट मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी का वीडियो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज म्यूजिक में प्ले नहीं कर रहा हूँ। उसका सेपरेट वीडियो जो है आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, मैं उसका लिंक जो है साउंड क्वालिटी का लिंक, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप के लिए स्विच मिलता है। बाय द वे यहाँ पे क्या क्या बटन मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेडियो के लिए बटन है, फोन के लिए बटन है, फोन आप बेसिकली किसी को डायल लगा सकते हो। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू MT जो है दिखा देगा, अलर्ट्स दिखा देगा, DRL आप यहाँ से जो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो है कर पाएंगे। इको मोड के लिए अलर्ट है, ई मैनुअल यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इक्वलाइजर आपको मिलता है, तो इक्वलाइजर का भी यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया गया है। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप जो है चैनल्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप के लिए बटन है। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं मिलता है, आपको नॉर्मल स्विचेस मिलते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं AC के लिए। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे USB और ऑक्स कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कवर दिया जाता तो और ज्यादा ये बेटर लगता था, ये काफी रॉ और लगता है। गियर स्टिक की बात करें तो गाड़ी जब आप चालू करते हो उसके बाद जो है गियर स्टिक में वाइब्रेशन डेफिनेटली आपको जो है देखने के लिए मिलता है, जो कि एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन हर एक SUV में आपको वो चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलती ही है, तो बहुत बड़ा कंप्लेन करने का कोई वजह बनती नहीं है। यहाँ पे एक छोटा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे जो है अगेन स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक पावर विंडोज के लिए स्विचेस है, यहाँ से आप पावर विंडो को लॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और कप होल्डर के लिए स्पेस मिलता है, और साइड में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए ही जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है डिसेंट स्पेस का जो है ग्लोव बॉक्स मिलता है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपने आप रख पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है IRVM डे और नाइट वाला मिलता है, ये आपके लाइट्स दिए गए हैं, और वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको मिलता है सनवाइजर के साथ।
यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलता है, लेकिन वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पे टोल रिसीट होल्डर नॉर्मल आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के सेकंड रूम में और मैं आपको जो है कितना स्पेस मिलता है वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं जो है सीट जो है अपने ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से जो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कम्फर्टेबल ड्राइविंग पोजिशन है मेरी। अब जो है सेकेंड रूम में चलते हैं तो लेट्स सी कि कितना स्पेस आपको मिलता है सेकेंड रूम के अंदर। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बेज कलर की आपको जो है सीट्स देखने के लिए मिलती हैं। आप आराम से अंदर जो है क्लाइंब कर सकते हो और मैं डोर जो है शट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लेग रूम जो है आप पैर स्ट्रेच कर सकते हो बिलो द ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर सीट। और नी रूम की बात किया तो डिसेंट यहाँ पे नी रूम आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको जो है मैगजीन के लिए होल्डर दिया गया है, यहाँ पे पेपर न्यूज़पेपर आप रख पाएंगे। शोल्डर रूम की बात की जाए तो आप इजीली जो है दो अडल्ट्स और एक बच्चे को जो है यहाँ पे बिठा पाएंगे, दो अडल्ट्स और एक बच्चे को बीच में आप आराम से बिठा पाएंगे। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट जो है देखने के लिए मिल जाता है। बीच वाले पैसेंजर की बात करें तो यहाँ पे आप जो है आराम से बीच में एक पैसेंजर बैठ सकता है। यहाँ पे हम्प बिल्कुल भी नहीं है, ये रियर व्हील ड्राइव कार है, फिर भी यहाँ पे हम्प नहीं मिलता आपको, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप इजीली जो है तीन लोगों को बिठा पाएंगे इनफैक्ट। और बात करें डोर, यहाँ पे डोर पैड्स की, तो यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो स्विच दिया गया है। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट काफी अच्छी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हैंडल आपको मिलता है टू होल्ड ऑन टू। ड्राइवर साइड के अलावा आपको जो है हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे। और कुछ इतना स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन द सेकेंड रो ऑफ द महिंद्रा बोलेरो नियो। सो गाइस अब मैं जो है आपको इसका इंजन बे दिखा देता हूँ और फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट द पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस SUV। सो यहाँ पे बेसिकली आपको बोनेट ओपन करने के लिए पहले एक लीवर ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लीवर है, इसको आप पुल करेंगे तो आप जो है बोनेट को ओपन कर पाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली इसको जो फाइंड आउट करना है ये थोड़ा सा जो है आपको ट्रिकी है यहाँ पे मिलना। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मिल जाए। सो गाइज ये है आपका 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि बनाता है 101 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का ये जो है टॉर्क बना के देता है। और यहाँ पे इंसुलेशन भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें इसके रिफाइनमेंट की, हुड जो है काफ़ी हैवी आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। बात करें रिफाइनमेंट की तो रिफाइनमेंट के मामले में डेफिनेटली ये इंजन जो है बेटर हो सकता था। कैबिन के अंदर जो है इंजन की आवाज़ डेफिनेटली आपको जो है सुनाई देती है जब आप इसको हार्ड ड्राइव करेंगे या फिर जब आइडल पे भी रखते हो, तो थोड़ी सी डीजल क्लैटर आपको जो है कैबिन में सुनाई देता है। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में जो है लो एंड काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आपको सिटी में चलाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस गाड़ी को। मिड रेंज काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है और टॉप एंड जो है आपको ठीक ठाक जो है ऑब्वियसली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक डीजल कार है तो हाई रेविंग इंजन नहीं होते डीजल। मोस्ट ऑफ द डीजल इंजन हाई रेविंग जो है आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिड रेंज का परफॉर्मेंस अच्छा है। सिटी में आपको चलाने में टर्बोचार्ज होने के बाद भी जो है टर्बोलैग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, काफ़ी वेल कंटेन्ड टर्बोलैग आपको देखने के लिए मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बात कीजिए गियरबॉक्स की तो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिलता है। मैंने आपको बताया कि गियर स्टिक में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको डेफिनेटली जो है देखने के लिए मिलता है और क्लच इज़ ऑन द लाइटर साइड, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो सिटी में चलाने में इस गाड़ी को आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इस कार के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, जो कि है इसकी राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलती है। राइड क्वालिटी जो है आपको ख़राब सड़कों से अगर आप चलाते हो, अगर आप सिटी में चलाते हो, तो आपको ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। और SUV होने के बाद भी जो है इसमें आपको चलाने में किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। आप आराम से जो है इस गाड़ी को जो है सिटी में मन्यूवर जो है कर पाएंगे। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी बेहतरीन मिलती है। आप इसको स्पीड ब्रेकर से लेके जाइए, हाई स्पीड पे ख़राब सड़कों से लेके जाइए, और इस ये जो है गाड़ी आपको बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। किसी भी तरह की राइड क्वालिटी की जो है टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हैंडलिंग जो है थोड़ी बेटर मेरे हिसाब से हो सकती थी। ये बॉडी ऑन फ्रेम कार है, जिसका मतलब यह है कि इसमें जो है बॉडी रोल डेफिनेटली आपको जो है काफ़ी मिल जाता है देखने के लिए। हैंडलिंग डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। और बात की जाए इसके, बाय द वे ये टॉप एंड वेरिएंट है, N10 ऑप्शनल, तो इसमें आपको MTT मिलता है, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी। किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखा समझा देता हूँ क्विकली। तो इसमें MLD आपको मिलता है, डिफरेंशियल लॉक आपको मिलता है। नॉर्मल कार्स में क्या होता है, जब आप गाड़ी को एक टर्न से जब आप लेके जा रहे हो तो दोनों के पीछे के जो आपके
व्हील्स है, आपके जो व्हील्स है उनमें स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण की जो है स्कफिंग अवॉइड होती है। बट यहाँ पे आपको जो है डिफरेंशियल लॉक मिलता है। डिफरेंशियल लॉक से होता क्या है कि टॉर्क तो अलग अलग जा रहा है लेकिन स्पीड जो है दोनों ही पहियों की जो है स्पीड सेम हो जाती है, जिसके कारण ऑफ रोड सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको जो है निकालने में जो है काफी आसानी से गाड़ी जो है निकल जाती है। तो कुछ इस तरह से MTT जो है काम करता है। अब बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द कार। तो इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है दैट इज 10,69,000 रुपीज। एट दिस प्राइस पॉइंट मेरी सबसे काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसका प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस जबरदस्त हो, अगर एक आपको मस्कुलर गाड़ी चाहिए, अगर आपको राइड क्वालिटी एकदम शानदार चाहिए जिससे कि कोई भी स्पीड ब्रेकर हो, कोई भी खराब रास्ता हो, तो इसका जो है बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इतनी जबरदस्त राइड क्वालिटी जो है आपको मिलती है। हाईवे स्टेबिलिटी डेफिनेटली जो है थोड़ी और ज्यादा बेटर हो सकती थी। सॉफ्टवेयर सस्पेंशन के कारण वर्टिकल मूवमेंट आपको जो है हाईवे पे जो है देखने के लिए मिलता है। तो राइड क्वालिटी जबरदस्त है इस गाड़ी की। रोड प्रेजेंस जो है काफी बेहतरीन जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए जो है मिल जाती है। तो ये सारी चीजें है अबाउट द कार। माइलेज भी जो है काफी अच्छा ये रिटर्न गाड़ी जो है कर देती है। सो गाइस, ये थे मेरे ड्राइविंग इंप्रेशंस ऑफ द महिंद्रा बोलेरो न्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो श्योरली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। बाय बाय।